व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। Just like lights, some sort of paranormal activity. अगर कोच मैकिन की बातों पर यकीन किया जाए तो ये जिम भूतिया हो सकता है। बात तब की है जबकि वो कैमरा ऑन करके प्रैक्टिस कर रही थी। उनके पीछे अगर आप ध्यान देंगे तो स्पीकर के ऊपर एक ब्लू कलर की लाइट चमकती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ये स्पीकर खुद ही ने खरीदे थे, इसलिए इसके अंदर इस टाइप की कोई लाइट नहीं चलती है। और उसके थोड़ी देर बाद अगर आप ध्यान देंगे तो एक सफेद कलर की रोशनी या फिर जिसे हम बोले पारदर्शी चीज आती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कैमरा यूज कर रही थी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये कैमरा ग्लिच हो सकता है, बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कैमरा ग्लिच है। Anything that's gonna scare you, it's just like lights. Some sort of paranormal activity. ये वीडियो अपलोड किया है नेत्रा इस्माइल ने। ये कब्रिस्तान के अंदर अकेली बैठी हुई थी, तभी इनको कुछ डरावनी आवाजें आती हैं, तो ये अपना कैमरा ऑन करके उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हैं। वो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी। उनकी जगह शायद कोई भी होगा, अकेला कब्रिस्तान में है और इस टाइप की आवाजें आ रही हैं, तो उसका डरना भी वाजिब है। एक बार फिर से आपको सुना दें, अच्छे से आप सुनिएगा। आपको क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है, आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोग इसे पैरानॉर्मल घटना का नाम दे रहे हैं। इस स्टोर के अंदर काफी दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। स्पेशली अगर बात करें तो चीजें अपने आप ही हिलती डुलती नजर आ रही हैं, तो लोगों का ये मानना है कि ये बिल्डिंग भूता है। यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमराज ने कुछ ऐसी फुटेजेस कैप्चर की हैं जिसको कोई भी समझा नहीं पा रहा है कि आखिर ये क्या चीज है। सबसे पहले एम्प्लॉय के सामने से इस रहस्यमय लाइट का ऊपर की तरफ जाना, उसके बाद काउंटर पर रखे हुए इस जार का अपने आप ही घूमना, और फिर 5 मिनट तक ऐसा ही करने के बाद नीचे की तरफ गिर जाना। उसके बाद किसी और दिन यहाँ पर रखी हुई एक कैची का रात में अपने आप ही मूवमेंट करते हुए दिखाई देना, ये सारी वो चीजें हैं जो ये इशारा करती हैं कि ये जगह हॉन्टेड हो सकती है। एक चीज और यहाँ के सीसीटीवी कैमरा ने जो कैप्चर की थी, आप इस पेन को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से झटके से ये एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट कर रहा है। एक ही जगह पर हुई ये सारी घटनाएं इशारा करती हैं कि ये जगह वाकई में हॉन्टेड है, ये जगह भूतिया है। ये वीडियो अपलोड किया है सॉल्ट वाटर सीन ने। वो कैनेडा में पानी के अंदर कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। कई लोगों को शौक होता है पानी में इस टाइप से चीजों को ढूंढने का, लेकिन जो चीज उनके हाथ लगी उसने इनके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल एक नहीं बल्कि कई ऐसी गुड़ियाएं उन्हें मिली थी जिनका एक जगह से मिलने का लॉजिक उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अक्सर हम जानते हैं कि गुड़ियाओं का इस्तेमाल वूडू या फिर काले जादू के अंदर भी किया जाता है, तो क्या ये उन्हीं में से एक थी? We got these two super creepy dolls that scared me underwater when I found the first, that one on the right there. That really kind of gave me a scare. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉन खुद ये लिखते हैं कि क्या गलती से मैंने कोई श्राप को दावत दे दी है, क्या इन गुड़ियाओं पे कोई जादू टोना हुआ था, या फिर ये गुड़ियाएं श्रापित थीं, क्या इनका जो भी कर्ज्ड है, श्राप है, वो मुझ पर लग चुका है। शायद अगर मुझे इस टाइप की कोई गुड़िया मिलेगी तो मैं तो उसे टच भी नहीं करना चाहूंगा। आप क्या करेंगे इसका कमेंट में आप बता सकते हैं। और आज का हमारा ये शॉर्ट वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।